सक्सेना है। दोस्तों नवरात्र स्थापना की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से यही कामना करते हैं देवी माँ से कि वो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे और आपका हमारा जो स्नेह है वो बरकरार रखे। 9 दिन तक देवी माँ की पूजा होती है। भारत में इस त्योहार को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, विशेष तौर से गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और राजस्थान और यूपी सभी जगह इसको डांस के जरिए बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन के साथ में हम सेलिब्रेट करते हैं। गुजरात में विशेष तौर से गरबा होता है और गरबे के माध्यम से सबकी ये मानना होती है कि हम से देवी प्रसन्न रहेंगी और वो इस तरह से हम उनको प्रसन्न करके अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगे। कहीं गरबे के नाम से फेमस है और कहीं डांडिया नृत्य के नाम से फेमस है, तो हम 9 दिन तक इसी डांस के नृत्य के जरिए जो देवी माँ को खुश करने की कोशिश करते हैं तो उससे हमको बहुत ही आनंद मिलता है और माँ 9 दिन तक अलग अलग रूप में हमको नजर आती हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि देवी माँ की जो अलग अलग रूप हैं, अलग अलग कलर के रूप में हमारे सामने दिखाई देती हैं, तो उसी कलर के साथ में हम उनके सामने डांडिया नृत्य में या फिर गरबे में अच्छे से उसी दिन के अनुसार हम तैयार होकर जाएं। सभी महिलाएं, बच्चे, जेंट्स सभी अच्छे से एंजॉय करते हैं और उसी तरह से जो जिस दिन देवी माँ ने जिस कलर को चुना है उसी कलर के रूप में हम तैयार होते हैं, कपड़ों के जरिए, गहने के जरिए, और फिर एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। तो दोस्तों गरबा डांस में जाने के लिए हमको किस तरह से तैयार होना चाहिए ये हम आज बताने जा रहे हैं आपको कि 9 दिन तक अलग अलग तरह से हम किस तरह तैयार होंगे। दोस्तों हमको एक छोटा सा किट बना लेना चाहिए जिससे कि हम हर दिन का अलग अलग जो रूप है देवी माँ का, उसका जो कलर है उनकी पसंद का, उसी के अकॉर्डिंग हम तैयार हों। हम सबसे पहले फेस पर आइस क्यूब लगाएंगे, आइस से मसाज देंगे जिससे कि पसीने नहीं आते हैं और जो हमारे पोर्स होते हैं वो अच्छे से पैक हो जाते हैं और पसीने जब नहीं आएंगे तो हमारा मेकअप काफी देर तक स्टे रहेगा। इसके अलावा हम रोज वाटर थोड़ा सा फेस पर लगाएंगे जिससे कि फेस का ग्लो और बढ़ जाता है। और मेकअप करने से पहले देखिए सबसे पहले हम प्राइमर यूज करेंगे। प्राइमर हमको इस तरह से लेना है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अगर स्किन हमारी ऑयली है तो उसके अकॉर्डिंग लेना है, अगर ड्राई है तो उसके अकॉर्डिंग लेना है। फिर हम फाउंडेशन पर आते हैं तो फाउंडेशन हमको स्किन के कलर से 2 नंबर लाइट लेना है जिससे कि हमारा जो फेस का मैच हो मेकअप वो अच्छा लगे और एक अजीब सा मतलब उभरा हुआ ना लगे, अपनी स्किन से मैच करता हुआ लगे। तो ये फाउंडेशन के बाद में, और जब हम कॉम्पैक्ट लेंगे उसको आप फेस पाउडर भी बोल सकते हो, तो उसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। फाउंडेशन के ऊपर कॉम्पैक्ट का चयन हमको फाउंडेशन के कलर से बिल्कुल मिलता हुआ लेना है, देखो उसी सेम कलर लेना है जिससे कि वो अलग अलग दिखाई ना दे। फाउंडेशन के ऊपर जब हम कॉम्पैक्ट लगाते हैं, यूज करते हैं, तो फिर उससे मेकअप काफी देर तक स्टे रहता है और उसको एक मजबूती मेकअप को मिलती है। कॉम्पैक्ट यूज करने के बाद में देखिए हम लिपस्टिक का चयन करेंगे। हमको ये ध्यान रखना है कि लिपस्टिक हम मैट लें, लिक्विड मैट लेनी चाहिए और लाइट मेकअप है, ज्यादा हमने बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया है तो लिपस्टिक हमको डार्क शेड लेनी चाहिए, ड्रेस के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए। दूसरा, हम ड्रेस किस कलर की पहन रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको आई शेडो वगैरह लगानी चाहिए और अगर हमने लाइट कपड़े पहने हैं तो आई शेडो का बहुत ही डार्क इस्तेमाल ना करें। इस तरह से ये हमारे मेकअप का हो गया। अब हम आते हैं कि हमको किस पोर्शन को ज्यादा उभारना है, तो हमको बहुत ज्यादा हाईलाइट उस पोर्शन को डार्क शेड में नहीं करना है, नॉट एनिंग बिल्कुल
हम उसी पोर्शन पर करेंगे, जैसे चिक बोन को उभारना है या नोज को, तो हल्का सा उससे करेंगे। इसके बाद में मेकअप फिक्सर स्प्रे हम करेंगे लास्ट में, जिससे कि हमारा मेकअप लॉक हो जाए। हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारा मेकअप डांस में, क्योंकि जब डांस करते हैं तो पसीने आते ही हैं, और इन सब चीजों के जरिए अगर हमने मेकअप किया है तो फिर पसीनों का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारा मेकअप काफी टाइम तक स्टे रहेगा और भड़कीला भी नहीं होगा। तो इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना है, और ड्रेस के अकॉर्डिंग हम जो मेकअप करेंगे तो उससे अच्छा लुक आएगा, स्मार्टनेस लगेगी और भड़कीला मेकअप नहीं होगा। तो दोस्तों, हमको एक छोटा सा किट भी बना लेना चाहिए, जिससे कि अगर मान लीजिए डांस कर रहे हैं और टचिंग की आवश्यकता है तो हमारे साथ रहना चाहिए। तो आज हमने गरबा और डांडिया नृत्य का जो आपको अटेंड करने के लिए जो मेकअप होना चाहिए वो उसकी सलाह हमने दी है, उसकी गाइडेंस दी है। आप इस गाइडेंस के साथ में आराम से मेकअप करिए और काफी टाइम तक ये मेकअप स्टे रहेगा। तो दोस्तों, विश्वास है आपको जरूर समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से गाइडेंस आपको दी है। तो अगर आप डांडिया नृत्य या उसमें जाते हैं तो फिर आप ध्यान रखिए कि इस तरह का भड़कीला मेकअप ना करें, और इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारा मेकअप काफी टाइम तक स्टे रहेगा और वो बहने वाला जो काम होता है वो नहीं होगा। तो दोस्तों, एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से नवरात्र स्थापना की, और ये मेकअप करने का तरीका आपको कैसा लगा शॉर्ट रूप में आप बिल्कुल बताइएगा। हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे, आपकी चॉइस का वेट करेंगे, और एक बार फिर से नवरात्रि स्थापना के बहुत बहुत मुबारकबाद।